कबीर नहीं आया अभी तक। आता हिना अमीर बिनते अमीर अहमद खान, क्या आपको रजब हुसैन वल जुल्फकार हुसैन हक मेहर 50,000 सिक्का राइजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है? जी कबूल है। माशाल्लाह, दुआ करेंगे। दिखा दानिश कैसी आई है। हाय नहीं सही, दोबारा बनाना। सारा वो कबीर आ गए। ये कबीर के साथ लड़की कौन है? ये ईशा है जिनकी वजह से हम लेट हुए हैं। पता नहीं तू लड़कियां तो टाइम पे डाल दो, मुझ पे सब डाल दो। ये आपकी दोस्त है? जी ईशा। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिस स्टूपिड ने मुझे बता दिया होता ना तो मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाती। कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन आपका गिफ्ट मेरे साथ ड्यू है, स्पेशल वाला, और अब तो मैं इसके साथ आती जाती रहूंगी तो कोई मसला नहीं है। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, और आप भी, इनफैक्ट घर भी बहुत प्यारा लग रहा है। हमारी पिक्चर लो। लो ना। अच्छा सैड ना हो, सेल्फी ले लो। कम ना। मैं बना देता हूँ। मिर्जे आज कुछ नहीं सुनाएगा। इश्क नाकाम हो गया, इश्क नाकाम हो गया, पुरसर कलाम हो गया, एक नजर करम की थी दिल उसका गुलाम हो गया। वाह। वो जो बेमोल था, गरां था, नायाब था, किसी की खातिर कैसा अर्जा नीलाम हो गया। क्या कहने? वाह 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 वसीम बेटे, नया रक्षा लोगे ना तो ये शेर उस पे जरूर लिखवाना। दाना बाजी। आगे भाई मिर्जिया। रकीब को भी हंस के गले लगा ली, रकीब को भी हंस के गले लगा लिया, उस शाख का ख्याल इमाम हो गया। क्या कहने पुत्र जी। बस इतनी सी सलामियाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी वाली मिला लो। ये तेरी ही है, मुझे तो हुई ही नहीं। तेरी तरफ से एक मिर्जा ही आया था, वो भी सुखी गजल सुना के चला गया। हाँ तो सारे तुम्हारे ही तो हैं, मैंने भला क्या करने। चाहो तो सारे खर्च कर दो। मैं सोच रही हूँ हनीमून के लिए बचा लेते हैं। मैं भी यही सोच रहा था। कितनी सोच मिलती है हमारी, पिंड चलते हैं। मैं हनीमून की बात कर रही हूँ। अमरीका और यूके से लोग आते हैं वहाँ। तेरा पिंड देखने? नहीं उनका घर है वहाँ। मैं तो पहाड़ों पे जाना, झील चश्मे देखने हैं, और वो जो तार पे चलती है ना लिफ्ट, वो तो ठीक है। 2-3 दिन पिंड में रुक के ना फिर आगे चले आते हैं। क्या सुबह से पिंड पिंड लगाई हुई है, ऐसा क्या है तेरे पिंड में? पिंड में नहर है, एक पुराना किला है,
टिब्बे हैं, खेत हैं। मैंने सारा कुछ नहीं देखना। मैंने तो पहाड़ों पे ना घास चढ़ती हुई बकरियां देखनी है और ना झील के किनारे बैठ के चांद सितारे देखने हैं। बकरियां छोड़ो, मैं ना तुम्हें पिंड में भैंसें दिखाऊंगा और चांद तारे जो है ना वो हमारे वेड़े से साफ नजर आते हैं। तारे तो वही होते हैं जहाँ से मर्जी देख लो। ठीक है, तू पिंड चला जाए, मैं अकेली चली जाऊंगी हनीमून पे। तुम्हें ही तो पिंड लेके जाना है। मैंने क्या कसूर किया है? नहीं, कसूर की बात नहीं है, वो ना पिंड में सारे कहते थे कि राजू तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू वेला है वेला ही रहेगा। अब मैं उनको जाके दिखाना चाहता हूं कि राजू ने जिंदगी में क्या कमाया है। तुमसे शादी करके ही तो इस काबिल हुआ हूं कि फखर से सर उठा के पिंड जा सकता हूं। चल फिर ठीक है, लेकिन सिर्फ दो दिन। ठीक हीना, मैं कह रहा था कि क्या अगर तुम कहो तो किन्नू छील लो। तुम छील दे। आया अबाजी, पप्पू का नाम सुनने का कोई जोर नहीं है। मेरा पुत्र जहां जहां से तुम्हें 50% डिस्काउंट मिलता है ना, तुम उसकी तारीफ शुरू कर देते हो। अब मुझे समझ आ गई है कि तरक्की के रास्ते में हम इतना पीछे क्यों हैं। क्यों बेटा जी? इस नाश्ते के बाद कोई कुछ कर सकता है? बंदा तो सोएगा फिर। लो ओ पुत्र, खाना कुछ नहीं कहता। नानी तुम्हारी चार पराठे खा के अपने भतीजे के ब्याह के ऊपर आधा घंटा गिद्दा डालती रही थी। खाना क्या कहता है? ये आजकल के बच्चे तुम सोचते हो, हमारे जमाने में तो बस कर दो बाजी। एक तो हर बात पे आपका जमाना याद आ जाता है आपको। आपके जमाने के लोग कौन से चांद पे पहुंच गए थे? तो पुत्र, हमारे जमाने के लोग ही चांद पे पहुंचे थे। आजकल के लोग तो ज्यादा से ज्यादा नारायण कगान पहुंचते हैं। बात ले जाता हूँ बाजी, आपके जमाने के लोगों की हरकतों की वजह से आज हमारे ये हालात है। क्यों पुत्र, हमारे जमाने के लोग तैयार देग में मिट्टी डालते थे। अस्सलाम वालेकुम। राजू भाई इधर बैठे, जगह दे ना। इधर आए। राजू भाई बैठे, भाईजान इधर आए, बैठे बैठे। राजू भाई बैठे। देखिए स्टैंड अप गर्ल जुम्मा से इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।